क्या कहना राम भैया है, बड़े बड़े अच्छे लेखक बैठे हैं, श्रीपाल शौकिया जी, और काफिया तो बहुत अच्छा ही आप लाए, छम्मा छम्मा जय हो, छम्मा छम्मा। दूसरी बात आप कह रहे हैं, सुमरासुर के घर आकर कहलाई मायावती है, उस नारी की गोद में खेले उसका पति है। वो कितना बड़ा था पति भाई रामू भैया, जब नारी की गोद में उसका ही पति खेलेगा, पहले निर्णायक समिति ध्यान देगी, जब बच्चा होगा तो बच्चा क्या कहेगा, बच्चा तो अम्मा ही कहेगा। आप इसमें कौन सी नई बात ले आए, जय हो, इसको नोट किया जाए। क्यों, मैं कह रहा हूं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, भीम कह रहे हैं, भर्तरी कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं, ये समझदार लोग हैं, और गोपीचंद कह रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, ये सब समझदार हैं। लेकिन आपका जवाब समरासुर से कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, उस नारी की गोद में खेले उसका पति है, इसको नोट किया जाए। जय हो रामू भैया, ये तुम्हारे कौशल जी बोलते हैं, अगर इस तरीके से मैं भी बोल सकता हूँ तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ये हमारे गायकार से उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर ऐसे ही आप हमारे बैकियर कोई आपसे कहें तो कैसा लगेगा आपको। लेकिन इनको टाइट कीजिए, आपने छूट दे रखी है, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जब अभी आप लड़ रहे हैं तो आप लड़िए, ये बेचारा पीछे से क्यों लड़ेगा हमसे, या ऐसा करो पीछे वाले को आगे कर दो, आप नहीं कोशिश कर पा रहे हो, अगर पीछे के सहारे हो तो आप पीछे वाले को आगे कर दो। अब मैं जब धुन गा रहा तो पीछे से बेचारा गा रहा है, दूसरी बात आपने उसमें दिखाया। जिद्दी जी कहना है, जिंदगी कितनी भी छोटी हो अनमोल होती है, इस दुनिया को देखो ये गोल होती है, जो बाहर से बजता है मीठा, जो बाहर से बजता है मीठा, लेकिन अंदर ढोल की पोल होती है। कौशल जी तुमसे ज्यादा क्या कहूं, तुम्हारे बारे में तो मैं परिचय ही करा चुका हूं, क्योंकि यार की असली आदत को मुलाकात बता देती है, यार की असली आदत को मुलाकात बता देती है, चौमासे के मौसम को बरसात बता देती है, और आज की जवाबी कैसे होगी ये पहले ही दौर की शुरुआत बता देती है। ज्यादा क्या कहें आपसे, मैं आपके बारे में परिचय करा चुका हूं, अब जिससे ज्यादा परिचय अब क्या कराऊंगा। जय हो, वो तो श्रीपाल पर, लेकिन अब तो मालूम पड़ गया, ध्यान रखना इनके लिए, अब मालूम पड़ गया, ये भैया हमारा फारूक अब्दुल्ला है। जय हो, दूसरी बात कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, निर्णायक समिति ध्यान देगी, इन्होंने कहा था, मैंने गीत गाया था, अम्मा अम्मा बहु अम्मा, सॉरी मैंने गीत गाया था, जो हर इंसान का जन्म माँ के द्वारा हुआ है, आप विरोचन को दिखा रहे हैं, लेकिन विरोचन की माँ है, आप पढ़ लीजिए, विरोचन की माँ है, आप पढ़िए बोल करके, गीत आप संतोषजनक एक भी दौर में जवाब नहीं देते हैं, और आपका पीछे वाला भैया हमको समझा रहा है, आप कुछ नहीं कहते हैं, पीछे वाला है कि आप कर क्या रहे हैं। रामू जी आप सती लाए, तारावती अनेकों ऐसी लाए, लेकिन हमारी तरफ से जब बिंदुमती आ गया
तो आप कहने लगे राम ने सब कुछ दिया है लेकिन उस बिंदमती को कुछ नहीं दिया होगा। लेकिन जवाबी कीर्तन जब राम से कोई याचना कर रहा है आ रहा है तो राम ऐसे ही दे देंगे उसको कुछ नहीं देंगे। जवाबी कीर्तन वालों की एक आदत होती है कि जवाब अगर ठीक ठाक मिल जाए तो भी सोचते हैं कि पता नहीं कुछ तो कहना चाहिए ना। ये आदत बन गई है जवाबी वालों की। सुनिए विरोचन की भी माँ है ये भी नोट कर लीजिए आप। अब सुनिए अपना जवाब। अरे दिल चोरी सांटा हो गया भाई की करिए की करिए दिल चोरी सांटा हो गया अब सुनिए अब सुनिए। ये ले लो तुम सम्मान पेता सासु को भयो तमाम पेता पहन के भैया हो गया तुम सुनिए तुम सुनिए आप कहानी खोल के भी नहीं बता रहे कि कौन भैया पैदा हो गया लेकिन मैं तुमको खोल के भी बताऊंगा है कि कैसी अजब कहानी हो गई तुम सुनिए तुम सुनिए। ये कर सही तो बोला सुनी लगो यार कि कैसी अजब कहानी हो गई तुम सुनिए ये करता आज में ये बखान होती पुराणों में पहचान जाको भैया पति ही जान को भैया पति ही जान। सुनिए ये करता आज बखान होती पुराणों में पहचान जाको भैया पति ही जान। ये अब तेवर ही भैया हो गया तुम सुनिए तो सुनिए तेवर ही भैया हो गया तुम सुनिए तेवर ही भैया हो गया तुम सुनिए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे जितेंद्र भैया दीक्षित जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए सीता जी के जो लक्ष्मण हैं देवर वो भी भैया हैं। जय हो क्योंकि खीर से पैदा हुए हैं खीर से पैदा हुए हैं राम सीता लक्ष्मण इसीलिए कहा गया। ये करते आज में बखान होती पुराणों में पहचान जाको भैया पति ही जान। ये वो भी भैया है जय हो पति अब देवर ही भैया हो गया सुनिए तुम सुनिए देवर ही भैया हो गया तुम सुनिए देवर ही भैया हो गया तुम सुनिए तुम सुनिए अब देवर ही भैया हो गया तुम सुनिए तुम सुनिए। कोई कहानी बता के तो जाइए हम तो आपको बताएंगे कि कौन क्या हो गया। एक और तोप चली। जय हो एक धुन आई क्या लाए कि किसी ने कहा था कहना लगे चोट दिल पे
खामोश रहेंगे कि नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना मेरे आंसुओं के आप कह रहे हैं कि घर वाली की दुश्मन ये भाई घर वाली घर वाली के कारण गई घर वाली घर वाली के कारण गई घर वाली तो सुनिए कि अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा बाहू किस सौत को विष देखो सौत को विष सौत ने दिया है और काम ये देखो कैसा उसने किया है कैसा काम किया ये हो कि घर वाली ने कैसे बोए देखो भाले कि घर वाली ने कैसे बोए देखो भाले कि घर वाली की दुश्मन ये धई घर वाली और घर वाली के कारण धई घर वाली जो सौत को जहर दे दिया था एक सौत ने तो उसके एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था सगर जहर सहित पैदा हुए थे इसीलिए उनका नाम सगर पड़ा तो एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे बोलिए शंकर भगवान की इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है और लोग यो ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने के लिए क्योंकि आस्थाई पत्थर को भगवान बना देती है यह हो पेंटर साहब बहुत अच्छे आइए मेरी तरफ से गीत सुनिए जय हो सुनिए कि पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके पल्लू लटके
छोरी को पल्लू लटके जियो भटके मारो जियो भटके जियो भटके मारो जियो भटके जियो भटके मारो जियो भटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाबा पल्लू लटके पल्लू लटके पल्लू लटके उल्टे लटके सुनो जी उल्टे लटके क्या बात है उल्टे लटके उल्टे लटके सुनो जी उल्टे लटके उल्टे लटके सुनो जी उल्टे लटके एक दिन माँ के गर्भ विशाल में उल्टे लटके अब सुनिए कौन उल्टे लटके माँ के गर्भ में तो सभी उल्टे लटके जय हो ऋषि अगस्त जी एक दिन करके लौट जा उल्टे लटके वृक्ष पे उल्टे लटके किया है तो हाल में उल्टे लटके अब यहाँ ऋषि अगस्त जी उल्टे लटके जय हो अब सुनिए सीता की सुध को गए पवन पुत्र बजरंग बजरंग कर डाली भी ध्वंस बाट का लड़ी है डटके के लंक जलाते पर ना जलती हनुमत हो गए तंग क्यों नहीं सही और रावण का ते खाना देखा एकदम रह गए सनीचर 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 उल्टे लटके फसे फसे वो रावण के जंजाल में उल्टे लटके अब सुनिए तीसरे प्रसंग में जय हो कि देश सहित जाना चाहे राजा जी स्वर्ग लोग और मना किया मुन्ने मगर मानी ना उनकी ये निबंध के पुत्र थे त्रिशंकु जय हो जो पिता और गुरु के साप से चांडाल हो गए जय हो परंतु विश्वामित्र के द्वारा ससर्ग सशरीर के स्वर्ग चले गई है जय हो लेकिन महा लेकिन विश्वामित्र ने तपोवन से स्वर्ग से नीचे ही रोक दिया जय हो अब वे आसमान में भी उल्टे लटके हैं सुनिए जय हो स्वर्ग लो मना किया है मुन्ने मगर मानी ना उनकी
अपना भैरो कभी अपना भैरो कभी अपना भैरो त्रिशंकु उल्टे लटके 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 फसे बो झूठे से ब्रह्मजाल में उल्टे लटके उल्टे लटके बोलो फसे वो झूठे से भ्रमजाल में उल्टे लटके एक बार जयकारा लगा बोलियो सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि बात सही ये है कि नदी को किनारों ने लूट लिया। नूतन भैया नदी को किनारों ने लूट लिया और चमन को बहारों ने लूट लिया। नदी को किनारों ने लूट लिया चमन को बहारों ने लूट लिया। अरे कैसे पहुंचे दुल्हन पिया के घर डोली को तो इन कहारों ने लूट लिया। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है और बीता हुआ पल यादें दे जाता है और हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। जय हो नाना तबीयत सही है रे कौशल। क्योंकि बंदरों की घुड़कियों से हम डरा नहीं करते। बंदरों की घुड़कियों से हम डरा नहीं करते। जानते हुए कांटों पर पैर धरा नहीं करते। अरे जिसकी जितनी जिंदगी है उसको तो उतना जीना है। कसाई के कोसने से पट्टे मरा नहीं करते। ये है बात है। बता अभी तबीयत सही ना हो तो भाई बहुत बहुत आइए। अरे बहुत सारी रही है भाई श्रीपाल श्रीपाल हमने जाना तुमने जाना होता के ये दिल दीवाना होता के ये दिल दीवाना होता के ये दिल दीवाना क्यों होता है दिल दीवाना क्यों होता है दिल दीवाना क्यों होता है दिल दीवाना कि अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया कि पंडों ने क्या जाल बिछाए लड़ने गया सूरमा लाए क्या नहीं मन में शर्माए कि पंडों ने क्या जाल बिछाए लड़ने नया सूरमा लाए जरा नहीं मन में घबराए जरा नहीं मन में घबराए सॉरी कि पंडों ने क्या जाल बिछाए लड़ने नया सूरमा लाए जरा नहीं मन में शर्माए जरा नहीं मन में शर्माए कि तीर चलाए ना घबराए तीर चलाए ना घबराए ये करने झगड़ा आ गया कि तीर चलाए
और ना घबराए तीर चलाए, ना घबराए ये करने झगड़ा आ गया। ये कौन? ये शिखंडी। जय हो। कुरुक्षेत्र में हिजड़ा आ गया। 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 ये करने झगड़ा आ गया। जय हो। कुरुक्षेत्र में हिजड़ा आ गया। कुरुक्षेत्र में हिजड़ा आ गया। कुरुक्षेत्र में हिजड़ा क्षेत्र में हिजड़ा आ गया। यह है और ये 51वें का पुरस्कार हमारे भैया सर्वे दीक्षित जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। कि तुम क्या जानो तुम क्या जानो इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह। बदलना मेरे यार बदलना जाना मौसम की कि पीछे पीछे सब दौड़ रहे पटरी पर एक बोगी की तरह। रेल के डिब्बे होते हैं बोगी भाई बोगी। के पीछे पीछे सब दौड़ रहे पटरी पर एक बोगी की तरह। अरे कर्म योगी नहीं हुआ है कोई योगी की तरह। योगी नहीं हुआ है योगी की तरह। योगी नहीं हुआ है योगी की तरह। कैसे कैसे भ्रष्टाचारी नेता हो या कोई प्रशासन अधिकारी। अरे एंटी रोमियो लैला मजनू की करता अब कार्य। एक कानून बताया योगी जी ने एंटी रोमियो। जय हो। लैला मजनू जगह छेड़छाड़ करते हैं ना, लेकिन अब तो ऐसा और कानून बनाया कि जिसने भी छेड़छाड़ की उसका पोस्टर भी चौराहे पे लगाया जाएगा। जय हो। क्या बात है। अरे भ्रष्टाचारी नेता हो या कोई प्रशासन अधिकारी। और एंटी रोमियो लैला मजनू की करता अब कि गायत्री प्रजापति जैसे अब नहीं ऐस करें भोगी की तरह। आप भोगी की तरह भोग नहीं कर पाएंगे गायत्री प्रजापति जैसे। कौन सा कर रहे हैं भैया? भैया मनोज गौतम जी की तरफ से महान पुरस्कार वो कर रहे हैं। अरे कर्म योगी नहीं हुआ कोई योगी की तरह। योगी नहीं हुआ योगी नहीं हुआ योगी की तरह। अब सुनिए दूसरे
अंतरा में कि गोरख मठ को गोरख जिसने कि गोरख मठ को गोरख जिसने गोरखपुर का नाम किया और योगी योगी लहर उठ रही ऐसा अद्भुत काम किया लेकिन विशेषता क्या है क्या है भैया जिसने योगी के लिए गीत गपाया वो सुन ले आइए बोतल भी सुन ले कि योगी योगी लहर उठ रही ऐसा अद्भुत काम किया यूपी केसरी क्या यूपी केसरी और केसरिया रंग रंग में फिरता जोगी की तरह केसरिया रंग आपने देखा होगा योगी जी का अरे कर्म योगी नहीं हुआ सुनिए तीसरे अंतरा में कि मोदी मोदी कहने वाले और योगी योगी कहने लगे कि मोदी मोदी कहने वाले योगी योगी कहने लगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी लहर में बहने लगे उत्तर प्रदेश हो स्वच्छ स्वास्थ्य के उत्तर प्रदेश हो स्वच्छ स्वास्थ्य नहीं दिखे किसी रोगी की तरह रोगी की तरह उत्तर प्रदेश में कोई रोगी की तरह नहीं दिखाई दिए अरे कर्म योगी नहीं हुआ कोई योगी की तरह और ये 51 रुपए का महान पुरस्कार हमारे संतोष जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करेंगे कर्म योगी नहीं हुआ कोई योगी की तरह कर्म योगी नहीं हुआ अरे जैसे मोदी लहर उठी वैसे ही योगी लहर उठी कि जैसे मोदी लहर उठी वैसे ही योगी लहर उठी और यूपी तर्ज पर कई राज्य के गांव नगर और शहर उठे के बसंत चरित्र और चित्रण हो पेंटर गोजी की तरह अरे कर्म योगी नहीं हुआ कोई आ रहे हैं जवाबी का दौर लेके राम भैया बहुत बहुत धन्यवाद जैसे हमारे कौशल को रोग हो गया है हरी राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम से लगन लगाए जा
जयकारा लगा लिए बोल लिए।